शिव ठाकरे की फैन तो जनता थी अब तक, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई टेलीविजन सेलिब्रिटीज भी एक एक करके शिव के प्यार में पड़ते जा रहे हैं। हर किसी को शिव से प्यार हो रहा है, हर किसी को शिव को लेकर एक अलग लेवल के अटैचमेंट है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। इस वक्त सोशल मीडिया पर शिव 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 का ही डंका बजा है, चाहे वो रोडीज हो, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो, एक्स बिग बॉस की बातें हो। तो एक कंटेस्टेंट जो अभी तक रेलेवेंट लग रहा है, अभी तक लगातार सुर्खियों में है, वो शिव ठाकरे है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि वो रोडीज में भी नजर आने जा रहे हैं, वो खतरों के खिलाड़ी करंटली कर रहे हैं। तो जब तक खतरों के खिलाड़ी वहां चल रहा है, कोई ना कोई अपडेट आती रहती है और लाइमलाइट में शिव बने रहते हैं। लगातार उनका रिश्ता डेजी शाह के साथ भी इस वक्त क्वेश्चंस में है, क्योंकि जिस तरह से अचानक से शिव और डेजी इतने अच्छे दोस्त बन गए, तो कई सारे लोगों को डाउट भी है कि ये पहले से दोस्त थे या अभी अचानक से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। हालांकि देखो, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं कि बहुत बार हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप खतरों के खिलाड़ी में जाते हैं, तो एक डेढ़ महीने के लिए आप अकेले वहां पर होते हैं, यू नो, सारे एक्टर्स मिलकर साथ में एक ही होटल में रहते हैं, अगल बगल में कमरों में, तो वो दोस्ती, वो बॉन्डिंग हो ही जाती है, जैसे बिग बॉस में हो जाती है अचानक से। तो अगर 12 कंटेस्टेंट्स हैं, तो 12 में से किसी एक के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और बाय चांस अगर वो लड़का लड़की है, तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि यू नो की लाइकिंग है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट शिव डेजी की जोड़ी को भी, शेजी की जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस वक्त एक ऐसी एक्ट्रेस हैं धर्मपत्नी, जी हाँ, फहमान के शो धर्मपत्नी फेम, मैं आपको बता दूं, कृतिका सिंह यादव सामने आई हैं और शिव ठाकरे को लेकर काफी कुछ कहा है। क्या कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। रोडीज में था ना जब से शिव, तब से मुझे उसका बिहेवियर एंड आई रियली लाइक हिम। तो या आई थिंक लाइक शिव आई नो खतरों में ना, शिव मुझे हमेशा से, यू नो, आई लाइक हिम एज अ पर्सन। तो बिग बॉस में भी मुझे अच्छा लगता था एंड आई नो हिम, मतलब नॉट पर्सनली बट रोडीज में था ना जब से शिव, तब से मुझे उसका बिहेवियर एंड आई रियली लाइक हिम। आपने सुना कि कितनी शिद्दत से और कितनी खूबसूरती से इन्होंने कहा है, कृतिका ने, कि शिव जब रोडीज में था, शिव तब से मुझे पसंद है, एज अ पर्सन मुझे वो पसंद है। इसलिए नहीं कि वो शो जीता है कोई, या क्या कैसे टास्क करता है या कैसे लड़ता है, मुझे उस रीज़न से नहीं, मुझे एज अ पर्सन शिव ठाकरे बहुत पसंद है। यही रीज़न है कि यू नो मैं उसी को सपोर्ट कर रही हूँ इस शो के लिए भी। सो क्लियरली उन्होंने तो कह दिया है अपनी तरफ से कि उन्हें शिव 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 ही पसंद है और वो शिव को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब आपकी बारी है, आप कहिए क्या कुछ आपकी राय है इस पर। देखो,